हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। माधुरी दीक्षित एक ऐसा नाम जिसके साथ हर कोई काम करने को बेताब रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय लीला भंसाली जैसे टॉप डायरेक्टर माधुरी दीक्षित के साथ काम नहीं करना चाहते। इनफैक्ट देवदास मूवी के बाद उन्होंने अपनी किसी भी मूवी में माधुरी को एक भी रोल ऑफर नहीं किया। आखिर इस मूवी की शूट के दौरान दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि फिर ये दोनों एक साथ काम करते हुए नजर ही नहीं आए? आपके इस सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, 2002 में आई देवदास मूवी एक आइकॉनिक मूवी थी जिसमें बड़े बड़े स्टार्स नजर आए थे। फिर चाहे वो बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान हो, या फिर गॉर्जियस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित हो, या फिर जैकी श्रॉफ सर, हर किसी का रोल एक आइकॉनिक रोल साबित हुआ था जिसमें मूवी के सॉन्ग, सेट्स, कॉस्ट्यूम्स हर किसी ने हेडलाइंस में जगह बना ली थी। यूं तो इस फिल्म का हर एक गाना अपने आप में एक इतिहास बन गया था, लेकिन जिस गाने को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था वो था माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया सोलो सॉन्ग हम पे ये किसने हरा रंग डाला। लेकिन इस गाने ने माधुरी दीक्षित और संजय लीला भंसाली के बीच ऐसी दरार डाली जो 20 सालों बाद भी नहीं टूट पाई। दरअसल इस मूवी के प्रोड्यूसर भरत शाह शूट के शुरू होने के कुछ ही दिन बाद कोर्ट केस में फंस गए, जिसकी वजह से उनके कोर्ट के चक्कर लगने लगे और इसका सीधा सीधा असर मूवी के प्रोडक्शन पर पड़ा। जहां एक तरफ संजय लीला भंसाली लग्जरी सेट लोकेशंस के लिए पैसों का अरेंजमेंट करने में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ पेमेंट ना मिलने की वजह से धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित बेहद नाराज थी। और जब पानी उनके सर से ऊपर निकल गया तो उन्होंने ये आइकॉनिक सॉन्ग का शूट करने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी उस दिन सेट पर आई जरूर, लेकिन अपनी वैन से बाहर नहीं निकली। उन्होंने खुद को वहीं लॉक कर लिया और साफ साफ कह दिया कि जब तक उनका पेमेंट क्लियर नहीं हो जाता वो शूटिंग के लिए बाहर नहीं आने वाली। हालांकि उनके को स्टार शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और जैकी श्रॉफ सर ने उन्हें बाहर से ही समझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन माधुरी दीक्षित ने किसी की नहीं सुनी। ये बात जब संजय लीला भंसाली के कानों तक पहुंची तो उन्होंने भी माधुरी को अपने साथ चल रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हवाला देकर समझाना चाहा, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। काफी घंटों के आर्गुमेंट के बाद फाइनली माधुरी दीक्षित अपनी वैन से शूट के लिए बाहर आई और उन्होंने ये आइकॉनिक सॉन्ग शूट किया। लेकिन आपको बता दें कि उन्हें शूटिंग सेट तक लाने के लिए पहले संजय सर को उनका पेमेंट क्लियर करना पड़ा था, और यही वो वजह थी जिसने दोनों के बीच दरार डाल दी थी। और संजय सर ने इस मूवी के बाद माधुरी दीक्षित के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर काम ना करने की बात गांठ बांध ली थी। वेल, देवदास मूवी की सफलता से पूरी दुनिया वाकिफ है, जहां इस मूवी ने फिल्म फेयर के 5 अवार्ड्स अपने नाम भी किए थे। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं शायद आने वाले समय में हमें माधुरी और संजय सर एक साथ काम करते हुए नजर आए। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।